नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ऑल इन वन चैनल और मैं हूं आपका होस्ट इंजन। तो मैं आज बात करूंगा GTA 4 के बारे में, और शायद आप लोगों को पहले से मालूम ही हो गया होगा क्योंकि GTA 4 के बारे में बात करने वाला हूं कि उसमें आपको थंबनेल उसके टाइटल में भी आप उसी को देख सकते। तो जी हाँ दोस्तों, मैं बात करेंगे GTA 4 के बारे में। कुछ दिन पहले लोग ने अनाउंस किया गया था कि GTA 4 जल्द ही एंड्रॉयड के लिए लॉन्च किया जाएगा। तो हाँ दोस्तों, आप इसे मोबाइल पर खेल सकते हैं, पूरी तरह से खेल सकते हैं, काफ़ी बढ़िया गेम्स हैं। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि इसे किस तरह से डाउनलोड किया जाता है, कहाँ से डाउनलोड किया जाता है और किस तरह से इंस्टॉलेशन किया जाता है, किस तरह का प्रोसेस होता है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को भी, और अगर वीडियो ठीक लगा तो आप उसे शेयर भी ज़रूर कीजिए। और हाँ दोस्तों, बीच वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि आपको ठीक से समझ में आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं मैं अपना होम स्क्रीन में आ गया हूं। तो इसमें आपको बगल में दो, आपको लेफ्ट राइट में दो मिल जाएगा। इसमें आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है फ़ोन का आप इसमें देख सकते हैं, और इसे किस तरह से इंस्टॉल किया जाता है इसमें देख सकते हैं। और मैं हालांकि मेरे लिंक डिस्क्रिप्शन में भी इसे बता दूंगा कि किस तरह से इंस्टॉल किया जाता है। तो सबसे पहले आपको चाहिए जेड अचीवर, जो गूगल प्ले स्टोर में आसानी से मिल जाता है, तो आप उसे डाउनलोड कीजिए। और मैं शायद लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहे तो वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो उसे डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद क्या करना है, आपको इंटरनेट ब्राउज़र को खोल लेना है। खोलने के बाद में आपको वहाँ में सिंपली टाइप करना है। तो मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को इस तरह से टाइप करके सर्च किया जाता है। तो आप, मैंने खोल लिया, आप देख सकते हैं इसमें। तो आपको सिंपली टाइप करना है GTA 4 और एंड्रॉयड। तो आप देख सकते हैं मैंने टाइप कर लिया। तो आप इसे सिंपली सर्च करना है। सर्च करने के बाद आपको बहुत सारा आपको ऑप्शन मिल जाएगा, आपको कहीं नहीं जाना है। इसमें आपको जो 5kapk.com है आपको उसे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपको वहाँ में बहुत सारा ऑप्शन मिल जाएगा, उसमें ऑप्शन मिल जाएगा आप किस तरह से डाउनलोड किया जाता है वहाँ में। अब मैं अब इसे खोल के दिखा देता हूँ आप लोगों को एक बार। तो आप देख सकते हैं खोल गया है, अब ये पेज पूरा पूरी खोल गया है। खोलने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल आप देख सकते हैं ये स्क्रीनशॉट है इस गेम का, GTA 4 का वर्जन है 1.3 समथिंग है, 1.3.4 वर्जन है। आप देख सकते हैं यहाँ में क्या क्या आपके रिक्वायरमेंट, आप यहाँ देख सकते हैं इसमें सारा इंस्टॉलेशन प्रोसेस भी आपको यहाँ मिल जाएगा। तो आपको नीचे क्लिक स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद में आपको यहाँ डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा, उसमें आपको APK डाउनलोड, इसके बाद में आपको ये OBB फाइल डाउनलोड करने का ऑप्शन यहाँ भी मिल जाएगा। आपको सिंपली वहाँ से क्लिक करके आपको डाउनलोड करना है, और मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप चाहे तो वहाँ जाकर भी आप डाउनलोड कर सकते हैं इसे। तो सिंपली आप डाउनलोड करने के बाद क्या करना है, आपको जिस जो फोल्डर में डाउनलोड हुआ है वो, हालांकि वो आपका फाइल मैनेजर में चले जाना है। फाइल मैनेजर में जाने के बाद में आपको डाउनलोड फोल्डर में जाना है। डाउनलोड फोल्डर में आपको ये सारा ये दोनों फाइल आपको मिल जाएगा, APK भी मिल जाएगा, उसके बाद OBB फाइल भी मिल जाएगा। और साथ दोस्तों सबसे ज़रूरी बात, इसको आप इंस्टॉल करने से पहले अपना वाईफाई ऑफ कीजिए और डाटा भी ऑफ कीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली उसे इंस्टॉल करना है, APK फाइल को इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद में आपको उसे खोलना नहीं है, लेकिन उसे ओपन नहीं करना है आपको उसे, जब तक आप अपना OBB फाइल को ठीक तरह से उसमें अब इंस्टॉल नहीं कर पा रहे तब तक आपको उसे नहीं खोलना है। तो पहले आपको इंस्टॉल कर लेना है। तो मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ, हालांकि मैंने इंस्टॉल किया हुआ है तो मैं इसे इंस्टॉल नहीं करूँगा आप लोगों को, लेकिन ज़रूर इसे इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको क्या करना है, फिर आपको वापस बैग आना है। बैग आने के बाद में डेटा रिसीवर को खोलना है। डेटा रिसीवर खोलने के बाद आपको वो जहाँ फाइल था जिस तरह मैंने डाउनलोड फोल्डर में था, डाउनलोड फोल्डर में चले जाना है। उसके बाद उसे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद व्यू ऑप्शन में क्लिक करना है। व्यू ऑप्शन में जिस तरह क्लिक करते हो आपको ये एक फोल्डर मिल जाएगा com.rockstargames.gta4। तो आप उसे उसको आप प्रेस करके रखना है। प्रेस करके जैसे रखिएगा तो आपको कॉपी का एक ऑप्शन मिल जाएगा, आप उसे सिंपली कॉपी में टैप करना है। टैप करने के बाद आपको बैग आना है। बैग आने के बाद में तो आपको बैग आने के बाद में आपको एंड्रॉयड फोल्डर मिल जाएगा एक सबसे टॉप में। तो आप उसे एंड्रॉयड फोल्डर में क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद में डाटा को क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ में मोर का बगल में एक ऑप्शन मिलेगा, आप वहाँ क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद फिर आपको यहाँ में पेस्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आप उसे पेस्ट कर देना है वहाँ में। तो ये फाइल जो है सारा वहाँ पर
कॉपी हो जाएगा। कॉपी हो जाने के बाद में आपको बेगाना है, बेगाने के बाद में फिर से आपको GTA 4 का जो ऐप से आप उसे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद में तो शुरुआत में आपको डाउनलोड का ऑप्शन दिखाएगा, डाउनलोड पर कुछ दिखाएगा, लेकिन आप उसे चिंता नहीं करना है। तो आपको फिर से उसे क्लोज करना है। क्लोज करने के बाद फिर से आपको उसे एक बार खोल लेना है। खोलने के बाद में गेम चालू हो जाएगा दोस्तों। तो मैं आपको कुछ डेमो भी दिखा देता हूँ आज गेम को खोल कर किस तरह से खेला जाता है। तो अभी देख सकते हैं मैंने अभी खोल लिया है इसे। तो टेप तो कंटिन्यू में करना है, टेप करना है आप उसे। तो मैं हालांकि वॉल्यूम को थोड़ा कम कर देता हूँ। तो ये देख सकते हैं आप, ये मेरा चल रहा है अभी। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिए मेरे इस वीडियो को, शेयर कीजिए, और आप नए हैं तो ज़रूर कमेंट्स भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। और हाँ दोस्तों, मैं एक दो दिन में आपको GTA 5 के ऊपर वीडियो बनाऊंगा, और फिर इस GTA 4 में किस तरह से चीट किया जाता है चीट के ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस चैनल को। और अब मैं डेमो खेल के दिखा देता हूँ आप लोगों को। तो ये देख सकते हैं अभी फिलहाल मेरा गेम चालू हो गया है। और ये गेम बिल्कुल भी लेग नहीं करता है दोस्तों, इसमें कुछ हैंग कुछ प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होते, इसमें सारा प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया है, काफी बढ़िया से चलता है ये गेम। हालांकि मैं इसमें म्यूजिक नहीं दे सकते क्योंकि कॉपीराइट क्लेम आ जाता है, क्योंकि स्ट्राइक आ जाता है, तो मैं इसे साइलेंट करके ही चला रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस चैनल को, और शेयर भी ज़रूर कीजिए। वंदे मातरम।